सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। जीआईबी पेपर टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसका जो पेपर है ये कल यानी 11 नवंबर 2018 को होने वाला है। आप सभी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में लगे होंगे, रिविजन में लगे होंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन चैप्टर्स को आप अभी लास्ट के जो कुछ चंद घंटे बचे हुए उसमें आपको देखना है। और अभी आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर ये इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, सर उन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। अब भूल जाइए, जो भी प्रॉब्लम है जितना भी आपने पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी अब मत स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, आपने जो भी पढ़ रखा है अच्छा पढ़ रखा है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और उसको बस आप रिवाइज कीजिए। देखिए नया कुछ भी मत सीखने का कोशिश कीजिए। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि सर एन्यूटी स्टार्ट करें क्या, नहीं बिल्कुल मत कीजिए। आपने अगर उसको छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, अच्छी बात है। उतने टाइम में जितना टाइम आप उसको देंगे नया चीज सीखने में, उतने में आप जिसको आपने सीखा है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, उसको आपने प्रैक्टिस करना है। लास्ट मोमेंट में आप प्रैक्टिस करेंगे, श्योर शॉट वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और वहां पर आप स्कोर कर लेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप कर लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था किन किन चैप्टर्स को आपको एक वीक में पढ़ना है, उन चैप्टर्स को बस अभी आप जो भी आपके 4-5-6 घंटे बचे हुए हैं उसमें आप उसको रिवाइज कीजिए। और वो चैप्टर्स हैं जैसे कि आपका डिप्रिसिएशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, रेशियो एनालिसिस है, बैंक रिकंसिलेशन है, BRS है, उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स में खास करके शेयर्स वाला जो पार्ट है आपका, इशू फॉर फ्यूचर, इन सब पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको पहले इन सबको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ ये मॉड्यूल डी का थ्योरी अगर आपको लगता है कि पढ़ लिया जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपने जितना को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, सो दैट कि आपको अगर उन पार्ट से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। होता क्या है, आप सारा पढ़ने के चक्कर में जिसको आपने पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से 2 को तो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, 2 ऑप्शंस में ऐसा कंफ्यूजन होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में आपको बोला जाता है कि लास्ट में जो भी फॉरफीचर का पैसा बचा हुआ है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा एक रूल है। तो अब वहां पे एग्जाम में आपसे दिया जाएगा कि कहां पे ट्रांसफर करते हैं ऑप्शन में, बाकी सब ऑप्शन आपको क्लियर लगेगा, 2 ही में आप कंफ्यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल। तो इस टाइप के लास्ट मोमेंट में जो कंफ्यूजन होता है उससे बचने के लिए आप अगर रिवाइज कर लेते हो अभी तो वहां पर आप बच जाते हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कल आपको अकाउंट्स का पेपर है तो कैलकुलेटर ध्यान से लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। चेकलिस्ट जो आपका है, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, आईडी कार्ड होना चाहिए, इसके साथ साथ पेन, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंट्स में आपको काफी आसान होगा, टाइम बचेगा अगर आपके पास कैलकुलेटर होता है तो। कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है आपको, कोशिश कीजिए टाइम से पहले पहुंचने का। वहां पर किसी भी निगेटिव थॉट्स जो भी आपसे उस टाइप का बात कर रहे हो, जीआईबी बहुत साल से दे रहा हूं नहीं निकल रहा, उनसे दूर हो जाइए क्योंकि वहां पे आपको नर्वस नहीं होना है। और चूंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल पार्ट है, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 40% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखेंगे, 60% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिखेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना रहे तो ही बेटर है। उसके साथ साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है तो ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, ये बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को प्रॉपरली पढ़िएगा। लास्ट एक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट मोमेंट प्रिंसिपल्स के लिए, उसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि आपको बेली बेलर वाला जो एग्जांपल था तो उस टाइप में कैसे कंफ्यूजन होता है, और इत्तेफाक से वो क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आया हुआ था। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का फायदा क्या होता है कि आपने क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसको आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया तो आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपने जल्दी जल्दी में पढ़ा, आपको ऊपर में जो ऑप्शन दिखा आपने सही उसको टिक करके आगे बढ़ गया, पता चला कि उसके नीचे भी कुछ ऑप्शन थे जो सही हो सकते थे, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा अकाउंट्स वाले पार्ट में। उसके बाद आपको पूरा 120 मिनट यूटिलाइज करना है। अगर आपने पूरा 120 मिनट यूटिलाइज नहीं किया है और पहले ही आपने सारा सॉल्व कर लिया है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए कि हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन छूट रहा हो या फिर आपने कुछ गलती की हो वहां पे, तो 120 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है आपको। उसके साथ साथ अगर आपका स्कोर 45 के ऊपर है, 45 से ऊपर है तो प्रिंट आउट वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप ले लीजिएगा। पासिंग रूल आप सबको पता है, सिंगल अटेम्प्ट में अगर आप बैठते हैं 45-45-60 वाला रूल लगता है, यानी एग्रीगेट में 150 होना चाहिए और इंडिविजुअल पेपर में 45 होना चाहिए। अदरवाइज यानी कि अगर आप पहले कोई पेपर क्लियर कर चुके हैं, इस बार आप अकाउंट्स में सिर्फ बैठ रहे हो तो आपको मिनिमम 50 लाना होगा। तो ये लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स हैं जिसमें आपको बताया गया किन किन चैप्टर्स को अभी आप
कुछ जो घंटे बचे हुए हैं चंद घंटे उसमें आप पढ़ें। इसके साथ साथ लर्न विद विपुल के पूरे टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 6204547475 या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com, इस पर आप अपने एग्जाम के बाद फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।